में से सबको ऑर्गेनिक याद आ जाती है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के तीन आइसोमर्स होते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। लेकिन हम वो ऑर्थो पैरा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोजन, इसके दो न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं, एक को पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में क्या है, ये न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सभी को पता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो जो प्रोटॉन की स्पिन होती है वो भी सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। उसी के बेसिस पर ये हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोले, ये ऑर्थो और पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए तो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन ये दोनों क्या है, तो ये न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होंगे, उनकी स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। लेकिन जो प्रोटॉन की स्पिन है जिसको हम न्यूक्लियर स्पिन भी बोल सकते हैं, ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन, या फिर एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ऑर्थो हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन प्रोटॉन की स्पिन न्यूक्लियर स्पिन ये सेम डायरेक्शन में, तो ये ऑर्थो आइसोमर। और पैरा हाइड्रोजन में क्या होगा, पैरा हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की स्पिन फिर से वो तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन प्रोटॉन की जो स्पिन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑर्थो हाइड्रोजन मतलब न्यूक्लियर स्पिन प्रोटॉन की स्पिन सेम डायरेक्शन में, और पैरा हाइड्रोजन इसमें न्यूक्लियर स्पिन या प्रोटॉन की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब यदि टोटल न्यूक्लियर स्पिन की हम बात करें तो एक प्रोटॉन की प्लस हाफ, दूसरे प्रोटॉन की प्लस हाफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, टोटल न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, वन। यदि पैरा हाइड्रोजन में बात करेंगे तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री 298 केल्विन पर आपको ऑर्थो हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, ये 75% मिलेगा, और जो पैरा आइसोमर है वो मिलेगा केवल 25%। मतलब रूम टेम्परेचर पर इसका रेशियो होगा 3:1, ऑर्थो हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा, पैरा का कम। यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 77 केल्विन टेम्परेचर पर, ऑर्थो और पैरा दोनों 1:1 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, यानी 50% ऑर्थो फॉर्म 50% पैरा आइसोमर। और टेम्परेचर यदि हम कम करें 20 केल्विन टेम्परेचर लें तो 20 केल्विन टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोजन आपको मिलेगा जीरो, 100% आपको मिलेगा पैरा आइसोमर। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं 400 केल्विन टेम्परेचर कर दें तो फिर से ये रेशियो होता है 3:1, 75% ऑर्थो हाइड्रोजन 25% पैरा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्योर पैरा हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन को आइसोलेट सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है ऑर्थो और पैरा, तो यदि थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो पैरा हाइड्रोजन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 50% ज्यादा होती है ऑर्थो आइसोमर से। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा हाइड्रोजन का 0.15 केल्विन कम होता है ऑर्थो हाइड्रोजन से, ये रूम टेम्परेचर पर, जिसमें 3:1 रेशियो यानी 75% ऑर्थो फॉर्म है और 25% पैरा। तो इतना समझ में आया सभी को, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, डाइहाइड्रोजन दो न्यूक्लियर आइसोमर में एग्जिस्ट करता है ऑर्थो और पैरा। क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑर्थो में प्रोटॉन की स्पिन न्यूक्लियर स्पिन पैरेलल है और पैरा फॉर्म में न्यूक्लियर स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल है।
रूम टेम्परेचर पर आपको ऑर्थोफॉर्म ज्यादा मिलेगा 75%, पैराफॉर्म मिलेगा केवल 25%, यानी रेशियो होगा 3:1। लेकिन यदि टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं तो 77 केल्विन पर दोनों 1:1 रेशियो में मिलेंगे और 20 केल्विन पर प्योर आपको मिलेगा पैरा हाइड्रोजन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं 400 केल्विन करते हैं तो फिर से रेशियो हो जाएगा 3:1। यानी रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर हमेशा ऑर्थोफॉर्म डोमिनेटिंग रहेगा, पैराफॉर्म कम रहेगा, रेशियो रहेगा 3:1। लेकिन 20 केल्विन पर 100% आपको मिलेगी पैरा हाइड्रोजन। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब बच्चों?